नमस्कार, मैं पंकज आप सभी के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं वापस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो है स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप। एज एन एंटरप्रेन्योर या फिर अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हो, इसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप या फिर स्टार्टअप के साइकिल को जानो। क्योंकि अगर आप स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप को नहीं समझोगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी ये समझने में कि आप कौन से स्टार्टअप के स्टेज में हो और किस स्टेज में क्या करना पड़ता है। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार एक बहुत ही गजब का स्टार्टअप आइडिया आ गया है, मैं जा रहा हूं आप एमवीपी बनाने। अगर आप ये किसी स्टेबल स्टार्टअप फाउंडर को बोल दोगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करना पड़ेगा। क्योंकि एमवीपी स्टार्टअप के दूसरे स्टेज में आता है। पहले स्टेज में तो आपको अपने आइडिया का प्रोटोटाइप बनाना होगा और उसे पायलट रन करना पड़ेगा। बस यही कारण है कि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी हो जाए हर स्टेज के बारे में, इसीलिए स्टेज ऑफ स्टार्टअप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको एम्बैरेसमेंट फील नहीं करना है और अगर आपको जितना भी स्टार्टअप के बारे में नॉलेज है उसमें और भी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टअप के स्टेजेस के नाम दे देता हूं, उसके बाद उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला होता है आइडिएशन स्टेज, देन आता है वैलिडेशन स्टेज, देन आता है ग्रोथ स्टेज, चौथा है स्केलिंग स्टेज और आखिरी में आता है एग्जिट स्टेज। स्टार्टअप का जो सबसे पहला स्टेज को हम लोग आइडिएशन स्टेज बोलते हैं। ये वो स्टेज है जहां पे आपको अपना स्टार्टअप का एक आइडिया आता है और आपको ऐसा फील होता है कि आपकी इस आइडिया से एक मार्केट का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो और जो भी गैप बन रहा है ना उसे आप फील कर सकते हो। ये जनरली हा मुझे मिल गया वाला मोमेंट है जहां पे आपको लगता है आपको बहुत ही गजब का आइडिया मिल गया है। इस स्टेज में आप बहुत ही ज्यादा हाइपोथेसिस बिल्ड करते हो। हाइपोथेसिस यानी आपको ऐसा लगता है कि इस स्टार्टअप आइडिया से आप बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये फीचर अप्लाई करने से शायद कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यानी यहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा गेस वर्क करते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए आप अपने आइडिया का एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हो। प्रोटोटाइप यानी जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका छोटा वर्जन बना के आप मार्केट में टेस्ट करते हो। टेस्ट यानी आप पायलट रन करते हो छोटा सा, सच दैट आपको ये समझ में आए कि जो आप मनगिनत कहानी बना रहे हो अपने दिमाग में उस एक्चुअली में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसीलिए पायलट रन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आइडिएशन स्टेज के टाइम में। इस स्टेज में आपके कोई भी टीम मेंबर नहीं होता है और अगर आपका कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है और अगर आपको कोडिंग नहीं आती, ऐप बनाना नहीं आता, तो आप किसी मेंबर को ले सकते हो जो कि आपका को-फाउंडर बन सकता है। इस स्टेज में जनरली आपको खुद का पैसा लगाना है। आपको अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, जो भी आपका प्रोटोटाइप है वो बहुत ही बड़ा है, उसमें अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने हैं, इसके लिए आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसे मांग सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर पैसे नहीं देगा अनलेस एंड अंटिल आपका इन्वेस्टर चाचा मामा ना लगे। और अगर आपको इस स्टेज में भगवान की दया से आपको कोई फंडिंग मिल भी गया तो इसे हम लोग प्री सीड फंडिंग कहते हैं। ये था पूरा आइडिएशन स्टेज। अब आता है वैलिडेशन स्टेज में। नाम से ही समझ में आ रहा होगा वैलिडेशन, यानी अब आपको अपने स्टार्टअप आइडिया का वैलिडेशन करना है। अगर आपने पहले स्टेज में प्रोटोटाइप बनाया और अगर आपका प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो गया, तो आप ये समझ जाइए कि मार्केट में प्रॉब्लम तो है। इसलिए अब आपको क्या फोकस करना है, अपना एमवीपी बनाने में। एमवीपी यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि आप अपना ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें इतना फीचर हो कि आप कस्टमर को आप ऑफर कर सको। यानी आपके प्रोडक्ट में इतना फीचर, इतना यूजेबल होना चाहिए जिससे आप अपना प्रोडक्ट को ऑफर कर सके मार्केट में। इस स्टेज में भी आपको अपना हाइपोथेसिस को चेक करते रहना है, क्योंकि आपने प्रोटोटाइप को तो 100 कस्टमर में चेक किया तो हो सकता है वो सक्सेसफुल निकल जाए, लेकिन आप जैसे ही बड़े मार्केट में पहुंचो, 1000-2000 कस्टमर तक पहुंचो, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कस्टमर तक पहुंचो, तो हो सकता है कि आपका एमवीपी फेल हो जाए। इसीलिए आपको यहाँ पे भी अपना हाइपोथेसिस को चेक करते रहना है। हर बार आपको नया हाइपोथेसिस बनाना है। आपको हर बार सोचना होगा ये ऐसा लगता है, ये आपको ये लगता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सब आपको टेस्ट करते रहना है अपने एमवीपी में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डेटा एंड फीडबैक मैनेजमेंट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। यानी आपको जो भी कस्टमर से फीडबैक आ रहा हो उसको आपको अच्छी तरीके से देखना है, परखना है, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है। जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट इंप्रूव होगा ना, आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। यानी लोग मार्केट में आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट होने लगेगा ना, यानी आप अपने प्रोडक्ट मार्केट फिट तक पहुंच गए हो। प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, सिंपल वर्ड्स,
मार्केट को जो चाहिए आपने वैसा प्रोडक्ट बना के उनको दे दिया। ये आपका वैलिडेशन का एंड गोल होना चाहिए, सच दैट आपको ये समझ में आ जाए कि आप प्रोडक्ट मार्केट फिट तक पहुंच गए हो। इस स्टेज में क्योंकि आप एमवीपी बना रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत मार्केटिंग करना पड़ेगा और आपके बहुत अलग अलग खर्चे भी हो सकते हैं, इसलिए आप सीड फंड उठा सकते हो अपने फैमिली मेंबर से या फिर आप अपने फ्रेंड से भी उठा सकते हो। इस स्टेज में भी कोई भी इन्वेस्टर आपको पैसा नहीं देगा, बहुत ही रेयर केस में होता है कि कोई इन्वेस्टर आपको सीड फंडिंग दे दे, लेकिन जनरली आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ता है। तीसरा है ग्रोथ स्टेज। क्योंकि आपने अपना एमवीपी को सक्सेसफुल बना दिया है, आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट को अचीव कर लिया है, यानी आप आपके पास एक फुल फ्लेज प्रोडक्ट रेडी हो गया है, अब यहां से आपका कस्टमर ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, आपका रेवेन्यू ग्रोथ होना स्टार्ट होगा और इस स्टेज में आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस भी करना होगा, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया तो आपको मार्केटिंग करनी होगी, अपना ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, फिर आपको बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन करना है, टीम बनाना है, इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा पैसा लगेगा, कैश बर्न करना पड़ेगा, इसीलिए इस स्टेज में अब आपको एक एंजल इन्वेस्टर चाहिए जो आपको फंड कर सके। आपको जो भी यहाँ पे फंड मिलेगा या तो वो प्री सीरीज फंड होगा या फिर वो एंजल फंडिंग होगा, दोनों सेम ही है। और इसे हम लोग प्री सीरीज फंड क्यों कहते हैं या अगर अगले स्टेज में आपको बताऊंगा तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो इस स्टेज में जनरली आपको 40-50 लाख से लेके 5 करोड़ तक की फंडिंग मिल जाती है और कभी कभी इससे ज्यादा भी मिल जाता है। और सबसे जरूरी बात, इस स्टेज से ना आपको एफिशिएंसी बिल्ड करना स्टार्ट करना है, आपका जितना भी बिजनेस का प्रोसेस है ना उसमें आपको एफिशिएंसी बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास एफिशिएंसी नहीं हुआ और जैसे ही आप स्केल करने जाओगे ना तो आपका बना बनाया किला रह जाएगा, इसीलिए एफिशिएंसी बिल्ड करना आपको यहां से स्टार्ट करना है। चौथा है स्केलिंग स्टेज। अब उस स्टेज तक आ गए ना जहां पे आपको लंबी छलांग मारनी है, ये वो स्टेज है जहां पे आपका रेवेन्यू ना एकदम मैसिवली ग्रो करेगा, मतलब एकदम आसमान छुएगा, इवन आपका कस्टमर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा तेजी से होगा, आपकी मैन पावर बढ़ेगी, आप नए टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करोगे, नए प्रोसेसेस बिल्ड करोगे, आप नए ज्योग्राफीज नए लोकेशन पे नए कस्टमर सेगमेंट को आप टारगेट करोगे, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करोगे, यानी फुल फ्लेज आप अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाओगे। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा ना जब आपका बिजनेस में एफिशिएंसी आएगा, इसीलिए मैंने ग्रोथ स्टेज में एफिशिएंसी की बात की थी। एफिशिएंसी अगर आपको सीधा मतलब समझाऊं तो आपका मैन पावर कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, अपना टेक्नोलॉजी कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इन शॉर्ट आपका बिजनेस का पहिया कितने अच्छी तरीके से घूम रहा है। जितना ज्यादा आपका बिजनेस एफिशिएंट होगा, आपका बिजनेस प्रोसेस एफिशिएंट होगा, आप उतनी अच्छी तरीके से स्केल कर पाओगे। इस स्टेज में जनरली आप क्योंकि आपका कैश बर्न होगा बहुत ज्यादा, मतलब हेविली कैश बर्न होगा, इसलिए आप यहाँ पे वीसी से ही फंड उठा सकते हो। वीसी यानी वेंचर कैपिटलिस्ट, यहाँ पे आपको सीरीज राउंड में फंडिंग मिलेगी, यानी सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, डी, ई, एफ एंड सो ऑन। इवन इस स्टेज इस फंडिंग को हम लोग राउंड वन राउंड टू फंडिंग भी कहते हैं, यानी राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एन नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप कितना भी ज्यादा फंडिंग उठा सकते हो, इसीलिए सीरीज ए बी सी डी ई एफ आप सो ऑन कितना भी फंडिंग उठा सकते हो। इस स्टेज में ना बहुत ही मतलब बहुत ही अंधाधुंध फंडिंग उठाया जाता है, 10 मिलियन सीरीज ए में 10 मिलियन उठाया जाता है, सीरीज बी में सीधा चला जाता है 100 मिलियन, सीरीज सी में 200 मिलियन, 500 मिलियन, 1000 मिलियन यानी 1 बिलियन, ऐसे ऐसे करके पूरी फंडिंग उठाई जाती है। तो इस स्टेज में बहुत ही मैसिवली कैश बर्न होता है, तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे फंडिंग की जरूरत पड़ती है। इस स्टेज में एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, वो है स्टेबिलिटी। क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा तेजी से स्केल करते हो ना, इसलिए आप स्टेबिलिटी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत ज्यादा कंपनीज यही करती है कि वो बहुत ही मैसिवली स्केल कर लेती है लेकिन स्टेबल नहीं हो पाती है, इसीलिए आपको स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करना है, यानी आप स्केल करोगे स्टेबल हो, स्केल करोगे स्टेबल हो, क्योंकि अगर आप स्टेबल नहीं होगे ना तो हो सकता है कि आप ऐसे मुकाम तक पहुंच जाओ जहां से आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अगर आप स्केल करते रहोगे ना तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्केल तो कर लो लेकिन क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है जिसके कारण से आपको बहुत ही ज्यादा आगे प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ग्रो करिए लेकिन स्टेबिलिटी के साथ करिए, यह है स्केलिंग स्टेज। इस पूरे स्टार्टअप साइकिल का जो आखिरी स्टेज है वो है एग्जिट स्टेज। अगर आप इस स्टेज पर पहुंच गए ना, यानी अब आपका बिजनेस एक पूरी तरीके से एस्टैब्लिश बिजनेस बन चुका है, यानी ये बड़ा कॉर्पोरेट लेवल का बिजनेस बन चुका है जिसे हम लोग बिग जायंट्स कहते हैं, इस स्टेज में आप जनरली दो चीजें कर सकते हो, या तो आप अपने कंपनी का आईपीओ निकाल दो, सच दैट आप अपने कंपनी को लिस्ट कर दो स्टॉक मार्केट में और आप अपने आप को एक लिस्टेड कंपनी घोषित कर दो, या फिर आप
अपने कंपनी को किसी बड़े कंपनी को बेच दो, जैसे सचिन बंसल और बिनी बंसल ने अपने कंपनी फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट को बेच दी थी। इस तरीके से आप एग्जिट स्टेज में एग्जिट ले सकते हो, इसीलिए स्टेज को एग्जिट स्टेज कहा गया है। या तो आप अपने कंपनी को लिस्ट कर दो या फिर आप अपने कंपनी से एग्जिट ले लो। तो ये था हमारा पूरा स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप। इसी के साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको 5 स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप के बारे में बताया ना, आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा। इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके स्टार्टअप जर्नी के लिए एज अ बेस काम आएगा। इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, 5 स्टेजेस के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया गया है कि इसमें आपको हर स्टेज में करना क्या है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखेगा, कम से कम 2-3 बार तो जरूर देखेगा कि आपको ये पूरे दिमाग में छप जाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लीजिएगा और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।